औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में एक होटल के पार्किंग से जब्त 23.5 लाख रुपए के अवैध शराब के मामले में पुलिस अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार है। महू के एडिशनल एसपी अमित तोलानी ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि गुलरेज, तस्मीन, फारूक और सलीम को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो सभी चौपाटी क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके अलावा महेश गुप्ता और प्रदीप सहित करीब 3 आरोपी अभी भी फरार है, जिनमें मुख्य शराब माफिया महेश गुप्ता है, जिसकी पुलिस को तेजी से तलाश है। इसके साथ ही यह शराब पीथमपुर से लाई गई थी, इसलिए पुलिस शराब ठेकेदार को भी गिरफ्तार करने की बात कह रही है। अभी तक 4 आरोपी पकड़े गए हैं, गुलरेज, तस्नीफ, फारूक और सलीम। हम कर रहे हैं उसमें भी इन्वेस्टिगेशन, देख रहे हैं, उनके रजिस्टर्स चेक कर रहे हैं। अगर उनकी उनमें मिलीभगत होगी तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे हम लोग। और इसके अलावा जो लोग फरार हैं उनको भी हम लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मोबाइल के द्वारा, मुखबरी के द्वारा, तो जल्दी उनको भी पकड़ेंगे। कम से कम 3 लोग तो फरार हैं इसमें, जो FIR में जिनके नाम हैं ऑलरेडी, जो प्रदीप है, मिस्टर प्रदीप, महेश गुप्ता, और वो जहाँ से ये लोग शराब लेकर आए हैं उस ठेकेदार को हम ढूंढ रहे हैं। पीतमपुर साइड से आ रही थी, उस ठेकेदार का नाम आ रहा है सामने, उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको पकड़ के लाएंगे तो चीज़ें खुलेगी। एकदम जब क्लियर हो जाएगी तो डेफिनेटली हम रिव्यू करेंगे।